हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्पीड अप। ये वेलकम टू स्पीड अप। ये स्पीड अप एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। स्टूडेंट्स को भी वीडियो आप देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। ये अभी लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिहार का BBSC का लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जो हमने दिखाया था। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ओके फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज हम बात करेंगे बिहार पंचायती राज विभाग के दो पोस्ट पर 4192 वैकेंसी पर चयन आया है, जो आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से। तो हम आपको लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके दिखाएंगे, फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल स्टेप तक आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये पंचायती राज विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट्स। 4192 वैकेंसी है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं फॉर्म भरने से पहले। जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 28 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट डेट 27 सितंबर तक है स्टूडेंट्स। और जो क्या कहते हैं आप, दो पोस्ट हैं, एक टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट लेखपाल की। 21 से 37 वर्ष की उम्र है। हम ये उम्र के बारे में बाद में बताता हूँ डिटेल में। फीस नो फीस, कोई भी फीस नहीं, जीरो फीस है एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। आप आते हैं नोटिस तरफ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये ऑफिशियल नोटिस आ गई, दो वैकेंसीज, दो पोस्ट हैं, तकनीकी सहायक और लेखपाल सह IIT साइको की। 2096 वैकेंसीज हैं टोटल वैकेंसीज में। 4192 वैकेंसी। अगर इनकी योग्यता की बात करूँ तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग से मैं डिप्लोमा किया हूँ 3 वर्ष का तकनीकी सहायक के लिए, और तकनीकी सहायक लेखपाल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA BCom उत्तीर्ण MCom CA करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जाएगा। भारत के मूल निवासी हों, और जो जनरल वर्ग के छात्रों के अगर पुरुष वर्ग हैं तो 37 वर्ष उम्र होनी चाहिए। OBC कैंडिडेट हैं मेल या फीमेल के लिए 40 वर्ष होने चाहिए, और अगर जनरल कैंडिडेट हैं फीमेल हैं तो 40 वर्ष होने चाहिए। SC ST मेल या फीमेल स्टूडेंट के लिए 42 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉर्म को, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर आ गए, BRPRD.BIH.NIC.in पर आ गए तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा होगा संविधान पर लेखपाल सह IIT सहायकों एवं तकनीक सहायक के नियुक्ति के संबंध में सूचना पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे 4 सर्वर रहेंगे, किसी भी सर्वर पे क्लिक कर सकते हैं। मैं लिंक 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, आप भी क्लिक करिएगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा, लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, पोस्ट अप्लाइड फॉर। अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के किया तो टेक्निकल असिस्टेंट करेंगे, अगर आपने BCom से किया है BA MCom या CA किया हो तो आप टेक्निकल कम IT असिस्टेंट पे फिल करेंगे। मैं टेक्निकल असिस्टेंट को फिल कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे फॉर्म भरता हूँ, ठीक है। आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ स्टूडेंट। मैं एक वो ले रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक डेमो ले लेता हूँ, नाम यहाँ पे अमित कुमार, ठीक है स्टूडेंट। अमित कुमार का नाम एक डेमो ले लेता हूँ, उनके फादर का नेम सुरेश कुमार ले लेता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ, आप यहाँ पे अपना फादर नेम, अपना नेम और अपने फादर का नेम फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने इस आइकन पे क्लिक किया, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करते हैं। मैं 94 ईयर सेलेक्ट करता हूँ, अगस्त की जगह अगस्त सेलेक्ट करता हूँ। अगस्त को फॉर्म आया, आज 28 तारीख है तो 28 तारीख सेलेक्ट करता हूँ। जेंडर मेल, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अमित कुमार मेल है तो मेल देता हूँ। कैटेगरी जनरल है जनरल, OBC ST जो भी कैटेगरी की बिलोंग करते हो कैटेगरी फिल करेंगे। अगर हैंडीकैप्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे वो अपनी, ठीक है स्टूडेंट। मैं ईमेल आईडी फिल कर दे रहा हूँ, ये ईमेल आईडी मैंने फिल कर दी, आप अपनी ईमेल आईडी फिल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे फिल कर देंगे, मैंने मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फिल करेंगे, जिससे कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर जाएगा, ताकि आप उसे री लॉगिन कर पाएँ। यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बनाना है जो आपको फर्दर आगे लॉगिन करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने अपना पासवर्ड जनरेट किया है, आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद ये कोड फिल कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। कोड क्या है, VQNT। आप अपने रजिस्टर पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी आ चुका होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। जब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया होगा आपका, तो आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप फर्दर प्रोसीड के लिए आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक कर दिया, थोड़ा सा इंटरनेट चल रहा है। तो अभी आपके पास जो मोबाइल नंबर पे आपके आईडी पासवर्ड आया होगा, उसे यहाँ पे लॉगिन करना होगा, री लॉगिन करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जब आपने क्लिक किया था तो फर्दर भरने के बाद री लॉगिन करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी मांग रहा है, तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पे जो यूज़र आईडी है ये वो फिल करना है। ठीक है, मैं फिल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप अपना फिल कर लीजिए देख के। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, आप अपना अपना खुद फिल करना है। ठीक है, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो फिल करेंगे, देन ये कोड, हर सिस्टम का अलग कोड होगा, आप अपना फिल कर लेंगे, देन यहाँ पे लॉगिन भी क्लिक करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, लॉगिन भी करेंगे, यहाँ वेलकम टू अमित कुमार लिख के आ रहा, मैंने अमित कुमार के नाम से भरा था, आपके सामने आपका नाम लिख के आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहो तो बेसिक डिटेल को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये सारी डेट भर चुकी है, अब हमें यहाँ पे आधार टाइप सेलेक्ट करना है, आधार नंबर भी फिल करेंगे, अपना रियल आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ठीक है, मैंने ये आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है। ठीक है, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस फिल करना है स्टूडेंट। ठीक है, बिहार का एड्रेस है तो बिहार का फिल कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, पिन कोड फिल कर दीजिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने पिन कोड फिल कर दिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप वही एड्रेस फिल कर दें। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत हो स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में करके पूछें। ठीक है, पिन कोड नेशनलिटी इंडियन है, स्टेट और डोमिसाइल आपका जो समाज, आपका जो समान कल्याण निवास है वो कहाँ का है, आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सेलेक्ट करिए, आप किसी और स्टेट के हैं तो वो स्टेट सेलेक्ट कर लिए। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप जिला कौन से जिले में रहते हैं बिहार में, वो सिलेक्ट कर लेंगे। चॉइस डिस्ट्रिक्ट आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वगैरह या जॉब का जो चॉइस होगा वो आप बेट कर सकते हैं, मैंने इसको भी गोपालगंज फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पूछ रहा है इट इज़ सर्टिफाइड, तो जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन फिल करी है क्या वो सही है, तो अगर वो सही है तो आप यस करिए और गो टू नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया आपको स्टूडेंट, गो टू नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे सामने ये ओपन वो कराएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की विंडो ओपन वो कराई है पंचायती राज विभाग के विंडो पेज पर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैट्रिकुलेशन है, हाई स्कूल का बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखनी है, तो अगर आपका बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड लिखिए, आपका जो भी बोर्ड है वो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे बिहार बोर्ड स्टूडेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन मांग रहा है स्टेट, अब हमने बिहार स्टेट सेलेक्ट कर ली, आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपने जिस बोर्ड से किया है वो करेंगे। ठीक है, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट है वो क्लिक कर लेंगे। कब पास हुए थे, आप पास ईयर डाल दीजिए, मैं यहाँ पे पास ईयर 2010 कर रहा हूँ, आप अपना पास ईयर कर दीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले रहा हूँ, आप अपने नंबर यहाँ पे स्टूडेंट्स फिल कर दीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप अपने नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट सारी चीज़ें? ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट, इसके नंबर थोड़े से मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं ट्वेल्थ का बोर्ड, था ये तो ट्वेल्थ का बोर्ड भी मैं बिहार फिल कर रहा हूँ, बट आप अपना बोर्ड फिल करेंगे जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, स्टेट आप जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट फिल करिए, जिस स्टेट से आप ने हाई स्कूल या इंटर किया है वो सिलेक्ट करिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट बता दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, पासिंग ईयर बता दीजिए, 2010 मैंने इंटर दिया था, 2012 भी बता देता हूँ, आप अपना रियल बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप अपना रियल डेटा फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, कॉपी कहीं से कुछ भी नहीं करना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो आपने कर रखी है वो बताएंगे, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है या जो और एक्स्ट्रा आप बताना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जो फ़ोटो है वो हमारी 50 KB से कम होनी चाहिए और जो हमारी सिग्नेचर है वो 20 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ स्टूडेंट। एश्योरेंस फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होकर आएगा जब आप गो टू नेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो आपने डिप्लोमा किया है या BA किया है या MBCOM, MCOM, जो MCOM किया है, रिस्पेक्टिव ग्रेजुएशन करी आपने, जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन अप्लाई मांगी है एलिजिबिलिटी वो आप यहाँ पे फिल करें। सर्टिफिकेट का डिप्लोमा अपलोड करना है, MCOM अगर आपने टेक्निकल उसके अकाउंटेंट के लिए फिल कर रहे हैं। ठीक है, CA सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप जनरल OBC SC हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है,